Hi students, hope you all are doing good. Today in this video we'll summarize the lesson 7 of your honeycomb book, that is the invention of Vita Wonk. Mr. Willy Wonka begins by inventing Wonka Wheat, which makes people younger, but Wonka Wheat is too strong. Some people disappear because their age becomes minus. One person actually becomes minus 87, which means he has got to wait 87 years before he can come back. Mr. Willy Wonka must invent a new thing. So this is the chapter based on a scientist, Mr. Willy Wonka. He has invented Wonka Wheat, जो लोगों को younger यानी कि उनको young बना देता था, जवान बना देता था, लेकिन जो Wonka Wheat उन्होंने इन्वेंट किया था वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि कुछ लोग उसकी वजह से डिसअपेयर हो जाते थे, दिखना बंद हो जाते थे. रीज़न बीइंग उनकी एज जो है वो माइनस में चली जाती थी. ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ था उनके साथ में, जो कि सच में एक आदमी के साथ हुआ. ही वॉज 87, लेकिन उनको यंगर करने के चक्कर में ही बिकम्स माइनस 87, जिसकी वजह से वो दिखना बंद हो गए और उन्हें एक्चुअली 87 ईयर्स तक वेट करना पड़ेगा ताकि वो फिर से पहले जैसे हो जाए. नाउ मिस्टर विली वोंका इज़ इन डिलेमा. अब उनको कुछ ऐसा क्रिएट करना पड़ेगा जिससे ये जो चेंजेस है वो रिवर्स हो जाए. लेट्स सी. मिस्टर वोंका सेड, सो वंस अगेन आई रोल्ड अप माय स्लीव्स एंड सेट टू वर्क. वंस अगेन आई स्क्वीज्ड माय ब्रेन सर्चिंग फॉर द न्यू रेसिपी. आई हैड टू क्रिएट एज टू मेक पीपल ओल्डेस्ट. हा हा हा, I cried. For now, the ideas were beginning to come. What is the oldest living thing in the world? What lives longer than anything else? So, यहाँ पे मिस्टर वोंका जो है वो अपने आप से बात कर रहे हैं, अपने आप में मंबल कर रहे हैं कि मैंने फिर से एक बार अपनी स्लीव्स चढ़ा लिए हैं और काम के लिए रेडी हो गया हूँ. एक बार फिर से मैंने अपना ब्रेन बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है. नई रेसिपी ढूंढ रहा हूँ. मुझे एज बनानी है, मुझे लोगों को ओल्ड बनाना है, बड़ा करना है. एंड ही हैज़ अ लिटिल लाफ. और उनको आइडियाज़ आने शुरू हो गए कि इस दुनिया में सबसे पुरानी चीज़ क्या है, ऐसा क्या है जो सबसे ज़्यादा लंबे समय तक ज़िंदा रहता है. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट. अ ट्री, चार्ली सेड. राइट यू आर चार्ली, बट व्हाट काइंड ऑफ ट्री? नॉट द डॉगलस फिर, नॉट द ओक, नॉट द सेडार. नो नो माय बॉय, इट इज़ अ ट्री कॉल्ड द ब्रिसल कोन पाइन दैट ग्रोज अपॉन द स्लोप्स ऑफ व्हीलर पीक इन नेवादा, USA. You can find bristlecone pines on Wheeler Peak today that are over 4,000 years old. This is fact, Charlie. Ask any dendrochronologist you like and look that word up in the dictionary when you get home, will you please? So that started me off. I jumped into the great glass elevator and rushed all over the world collecting special items from the oldest living things. Now what happened कि जब उन्होंने बोला कि ऐसी क्या चीज़ है जो सबसे ज़्यादा लंबा तक ज़िंदा रहती है लंबे समय तक, तो चार्ली ने बोला कि एक ट्री. तो मिस्टर वोंका बोलते हैं कि येस इट्स राइट, एक ट्री. लेकिन वो कौन सा ट्री? डगलस नहीं हो सकता, ओक नहीं है, सिडार नहीं है, तो फिर क्या है? तो वो उन्होंने बताया कि ब्रिसल कोन पाइन, ये एक ट्री का नाम है जो व्हीलर पीक नेवाडा USA के स्लोप्स पे मिलता है और वहाँ पे 4,000 ईयर्स पहले के ट्रीज़ भी आज भी मौजूद हैं. उन्होंने बोला कि किसी भी डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट से बात करोगे तो भी तुमको पता चलेगा, इट इज़ अ फैक्ट. और अगर तुमको ये वर्ड नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ गो होम एंड उसको डिक्शनरी में चेक करना. नाउ यहाँ से उनको आइडियाज़ आने शुरू हुए और उन्होंने अपना जो भी इन्वेंशन करना था वो शुरू करा. अब उन्होंने क्या किया, उन्हें कुछ आइटम्स चाहिए थे कुछ पुरानी चीज़ों के, उन्होंने वो कलेक्ट करना शुरू करा. अ पिंट ऑफ सैप फ्रॉम अ 4,000 ईयर ओल्ड ब्रिसल कोन पाइन, द टो नेल क्लिपिंग फ्रॉम अ 168 ईयर ओल्ड रशियन फार्मर कॉल्ड पेट्रोविच ग्रेगोरोविच.
an egg laid by a 200-year-old tortoise belonging to the king of Tonga, the tail of a 51-year-old horse in Arabia, the whiskers of a 36-year-old cat called Crumpets. उन्होंने क्या क्या इकट्ठा किया? एक सैपलिंग इकट्ठी करी, ब्रिसल कोन पाइन जो कि 4000 ईयर्स पहले लगाया गया था, और 168-year-old रशियन फार्मर के टोनेल का क्लिपिंग लिया जिनको पेट्रोविच ग्रेगोरोविच बोलते हैं, 200 साल के टॉट्स ने जो अंडा दिया था उसको वो करा। उसके बाद में उन्होंने एक 51-year-old हॉर्स था अरेबिया में उसकी पूंछ ली, 36-year-old कैट जिसका नाम क्रम्पेट्स था उसके विस्कर्स लिए, ओल्ड फ्ली विच हैड लिव्ड ऑन क्रम्पेट्स फॉर 36 ईयर्स, और क्रम्पेट्स वो जो कैट थी उसके ऊपर एक जो मक्खी बहुत टाइम से 36 ईयर्स से थी वो इकट्ठा की, द टेल ऑफ अ 207-year-old जाइंट रैट फ्रॉम तिब्बत, तिब्बत का एक रैट था जो 207-year-old था वो लिया, द ब्लैक टीथ ऑफ अ 97-year-old ग्रिमेलकिन लिविंग इन अ केव ऑन माउंट पोपोकेटपिल, माउंट पोपोकेटपिल पे जो भी एक केव थी एक गुफा थी उसमें 97-year-old के ग्रिमेलकिन रहते थे उनका ब्लैक टीथ लिया, द नकल बोन्स ऑफ अ 700-year-old कैटालू फ्रॉम पेरू, पेरू से एक 700-year-old कैटालू का नकल बोन लिया। ओके सो हेयर्स द कॉम्प्रिहेंशन चेक, प्लीज गेट इट सॉल्व बाय योर सेल्फ फर्स्ट एंड देन रेफर टू दी योर स्टडी नोट्स। ओके सो द सेकेंड पार्ट इज ऑल ओवर द वर्ल्ड चार्ली मिस्टर वोंका वेंट ऑन I tracked down very old and ancient animals and took an important little bit of something from each one of them. A hair or an eyebrow, or sometimes it was no more than an ounce or two of the jam scraped from between its toes while it was sleeping. So, उन्होंने सारे world में से कुछ ना कुछ ऐसा लिया। Mr. Wonka गए और उन्होंने कुछ बहुत ही पुराने पुराने animals के लोगों की चीज़ें कुछ कुछ इकट्ठा करी, चाहे वो बाल हो, आईब्रो हो, या कभी कभी कुछ नहीं तो दो चीज़ों के बीच में फंसा हुआ जो एक तरीके से डस्ट होता है वो हो। आई ट्रैक डाउन द विसल पिग, द बोबोलिंक, द स्कॉर्क, द पॉलीफ्रॉग, द जाइंट कर्लिक, द स्टिंगिंग स्लग एंड द वेनोमिनस स्क्विरकिल हु कैन स्पिट पॉइजन राइट इन टू योर आई फ्रॉम 50 यार्ड्स अवे। उन्होंने बहुत सारे जो ये दे रखे हैं आपके विसल पेग हो गया, बहुत सारे एनिमल्स को मतलब उनकी कुछ कुछ चीज़ें इकट्ठा करी, इवन एक वेनोमस एक जहरीला स्कॉर्कल स्नेक था जो दूर से अगर पॉइजन फेंके तो आप मतलब 50 यार्ड्स अवे से भी फेंके ना तो भी आप मर सकते हो, आपकी आई आप अंधे हो सकते हो, बट देर इज़ नो टाइम टू टेल यू अबाउट देम ऑल नाउ चार्ली, बट मिस्टर वोंका ने बोला कि अभी ये सब बताने का मेरे पास कोई टाइम नहीं है, लेट मी जस्ट से क्विकली दैट इन द एंड आफ्टर लॉट्स ऑफ बॉइलिंग एंड बबलिंग एंड मिक्सिंग एंड टेस्टिंग इन माय इन्वेंटिंग रूम आई प्रोड्यूस वन टाइनी कप फुल ऑफ ऑयली ब्लैक लिक्विड एंड गेव 4 ड्रॉप्स ऑफ इट टू अ ब्रेव 20-year-old ओम्पा लूम्पा वॉलंटियर टू सी वॉट हैपेंड। उन्होंने बोला अभी मेरे पास कोई टाइम नहीं तुम्हें कुछ बताने का, बस इतना समझ लो कि मैंने ये सब चीज़ें करने के बाद क्विकली मैं गया, मैंने अपने लैब में काम करना शुरू करा और वहाँ पर मैंने एक छोटे कप में मतलब उस कप को पूरा ऑयली ब्लैक लिक्विड से भर दिया, वो बनाया और उसके 4 ड्रॉप्स एक बहुत ही बहादुर 20-year-old के ओम्पा लूम्पा वॉलंटियर को दिया ये देखने के लिए कि क्या होता है। व्हाट डिड हैपन चार्ली आज, चार्ली ने पूछा फिर क्या हुआ। इट वॉज फैंटास्टिक क्राइड मिस्टर वोंका, द मोमेंट ही स्वेलोड इट ही बिगैन रिंकलिंग एंड श्रिवलिंग अप ऑल ओवर एंड हिज हेयर स्टार्टेड ड्रॉपिंग ऑफ एंड हिज टीथ स्टार्टेड फॉलिंग आउट एंड बिफोर आई न्यू इट ही हैड सडनली बिकम एन ओल्ड फेलो ऑफ 75 एंड दस माई डियर चार्ली वॉज वेटा वोंग इन्वेंटेड। तो उन्होंने बताया कि फिर बहुत ही फैंटास्टिक रिजल्ट आया, जैसे ही उन्होंने वो उसको पिया वो रिंकल करना शुरू कर गए, उनके बाल झड़ना शुरू हो गए, टीथ गिरना शुरू हो गए और जब तक मैं कुछ और देख पाता समझ पाता वो 75 ईयर ओल्ड फेलो बन गए और मेरे
प्यारे बच्चे चार्ली ऐसे वीटा वॉन्ग इन्वेंट हुआ. सो दिस इज़ द चैप्टर बाय रोआल्ड दाहिर एंड इट इज़ इट दिस एक्सपेक्ट दिस एक्सेप्ट इज टेकन फ्रॉम चार्ली एंड द ग्रेट ग्लास एलिवेटर. So now you have working with the text and other exercises. Do it by yourself and we'll discuss it on the video live session on Tuesday. Please keep your books ready on that day. Now come to the poem, Dad and the Cat and the Tree. Have you ever seen a cat climbing a tree? Sometimes a cat may limp too high and get stuck in the tree. The poor thing can't come down without help. How would you help it? Surely not like Dad in the poem. Is Dad a good climber? What were his plans? Read the poem to find out. Okay, so इसमें पूछा गया कि आप लोगों ने कभी कैट को पेड़ पे चढ़ते हुए देखा है, और देखा भी होगा तो आपको पता होगा कि जब वो ज़्यादा ऊँचा चढ़ जाती है तो वो बिना हेल्प के नीचे नहीं उतर पाती है, तो आप उसको कैसे हेल्प करते हो. एंड द ऑथर हैज सेड दैट ही इज सो श्योर कि आप उसको उसके डैड की तरीके से तो नहीं हेल्प करोगे. क्या डैड अच्छे क्लाइंबर थे, या क्या उनका प्लान था, या ऐसा क्या हुआ था कि उसने उनको ऐसा बोला कि उनकी तरह हेल्प नहीं करोगे. तो टू फाइंड दिस आउट वी हैव टू रीड द पोएम. दिस मॉर्निंग अ कैट गॉट स्टक इन आर ट्री. डैड सेड राइट जस्ट लीव इट टू मी. सुबह सुबह एक कैट उनके ट्री में फंस गई तो उसके डैड ने बोला कि कोई बात नहीं है, ये मेरे ऊपर छोड़ दो. द ट्री वॉज वॉबली, द ट्री वॉज टॉल. मम सेड फॉर गुडनेस सेक डोंट फॉल. ट्री बहुत वॉबली था, बहुत लंबा था, तो उसकी मदर ने बोला कि प्लीज़ आप लोग गिर मत जाना. फॉल स्कॉफ्ड डैड. अ क्लाइंबर लाइक मी चाइल्ड्स प्ले दिस इज, यू वेट एंड सी. उन्हें लगा गिरना, उन्होंने शो ऑफ किया कि एक मेरे जैसे क्लाइंबर के लिए गिरना इज़ लाइक, ये तो बहुत बड़ी बात बोल दी तुमने, ये तो मेरे लिए बच्चों का खेल है, तुम देखो. ही गॉट आउट द लेडर फ्रॉम द गार्डन शेड, इट स्लेप्ड, ही लैंडेड इन द फ्लावर बेड. उन्होंने एक लेडर और सीढ़ी लेकर आए, उसको ट्री पे लगाया, अपने गार्डन शेड में से निकाला और उसको ट्री पे लगाया, लेकिन क्या हुआ कि वो सीढ़ी फिसल गई और वो फ्लावर्स पे गिर गए. तो Never mind, said Dad, brushing the dirt off his hair and his face and his trousers and his shirt. तो उसके डैड ने बोला कि अरे कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो हो जाता है, और अपने अपने बालों पे से, फेस पे से, ट्राउज़र और शर्ट्स पे से डर्ट हटाने लग गए. विल ट्राई प्लान बी, स्टैंड आउट ऑफ द वे. मम सेड डोंट फॉल अगेन. ओके, तो उन्होंने बोला कि अब हम प्लान बी ट्राई करेंगे, तुम लोग सब हट जाओ. तो उसकी मदर ने फिर बोला कि प्लीज़ दोबारा मत गिर जाना. तो उसके डैड ने फिर से शो ऑफ किया एंड सेड फॉल अगेन, सेड डैड, फनी जोक. देन ही स्वंग हिमसेल्फ अप ऑन अ ब्रांच, इट ब्रोक. अब क्या हुआ कि उसके डैड ने बोला कि दोबारा गिर जाऊंगा, व्हाट अ जोक, ऐसा कुछ नहीं हो सकता. लेकिन फिर उन्होंने अपने आप को ब्रांच पे लटका लिया और वो जो ब्रांच थी वो टूट गई. डैड लैंडेड वेल अप बैक ऑन द डेक. मम सेड स्टॉप इट, यू विल ब्रेक योर नेक. रबिश, सेड डैड, नाउ विल ट्राई प्लान सी, ईजी एज विंकिंग टू अ क्लाइंबर लाइक मी. अब क्या हुआ, फिर से उसके डैड गिर गए और उनके बैक पे चोट लगी. तो उसकी मम्मा ने बोला कि प्लीज़ रुक जाओ, अपनी गर्दन तोड़ लोगे आप. तो उन्होंने बोला कि ओ प्लीज़, ये सब बकवास है, अब हम प्लान सी ट्राई करेंगे, और वो बिल्कुल पलक झपकने जितना ईजी काम है मेरे जैसे क्लाइंबर के लिए. Then he climbed up high on the garden wall. Guess what? He didn't fall. अब वो garden की जो high wall थी उस पर चढ़ गए, लेकिन guess what? क्या हुआ कि वो गिरे नहीं. He gave a great leap and he landed flat in the crook of the tree trunk right on the cat. और वो अच्छे से चढ़ गए और अच्छे से उन्होंने मतलब एक छलांग ली और वो ट्री पे जाके ट्रंक पे उसकी बैठ गए और बिल्कुल कैट के पास में. द कैट गेव अ येल एंड स्प्रैंग टू द ग्राउंड, प्लीज्ड एज पंच टू बी सेफ एंड साउंड. और कैट थोड़ा सा चिल्लाई और फटाफट से ग्राउंड पर आ गई, और मतलब अब बहुत खुश थी कि वो सेफ है. So it's smiling and smirking, smug as can be, but poor old dad still stuck up the tree. लेकिन कैट तो नीचे आ गई, पर जो डैड थे वो ट्री पर ही रह गए. एंड दिस पोएम इज़ रिटन बाय किट राइट.
Here also you have the glossary. Wobbly means unsteady. Unsteady means hilte rehne wala. For goodness sakes, an exclamation expressing protest. Scoffed, laughed mockingly. Child's play, very easy to do. Landed, walloped, fell heavily. Pleased as punch, very pleased. Safe and sound, unheard. And you have the working with the text. So you can do that as well. But first do it for yourself and then check it from your study notes. Rest we'll discuss in the video session, and here are the vocabularies which you have to prepare. That's all for today. I'll see you in the next video live session. Till then, happy learning.